दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना के आंकड़े 1.5 लाख के पार हो चुके हैं और हमारी लड़ाई लगातार इस कोरोना से जारी है। पर हमें क्या करना है? सबसे कमजोर लोगों को सबसे मजबूत बनाना होगा। आज हमारी दुनिया थम सी गई है, पर कहते हैं ना, भरोसा अगर खुदा पर है तो वही पाओगे जो तकदीर में होगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पे है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। बिल्कुल सही। आज हम बात कर रहे हैं खुद का आत्मविश्वास की। आज हमारा मन एक भंवर की समान उलझा चला जा रहा है, कैसे जाएं हम सागर के उस पार। इसके बावजूद हमें आगे तो बढ़ना है, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। यही आत्मविश्वास है। हमेशा अच्छे का सोचो और आगे के लिए तैयार रहो। किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, फिर भी हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए सिद्धांत बना ले। और जानते हैं, आत्मविश्वास वो चीज है जो हमें और ज्यादा आकर्षक बना देती है। हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा। हमारी अधिकतर समस्याओं का कारण होता है हमारा आत्मविश्वास ना होना। ईर्ष्या भी वहीं से जन्म लेती है, क्रोध और आलस्य और लालसा भी। स्वयं पर विश्वास हो, यही आत्मविश्वास है। लेकिन सबसे पहले हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम सबसे अधिक शक्तिमान हैं। आत्मविश्वास नहीं हो, अहंकार हुआ तो नष्ट हो गए। हम सबसे पहले खुद को जाने कि हमारा स्वभाव क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम दूसरों के निर्णय के अनुसार खुद को ना ढालें। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे हम सबसे ज्यादा अच्छा अपना मित्र मानते हैं, वही हमारा दुश्मन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी हमने स्वयं को आईने में देख करके अपने भीतरी मन को पहचानने की कोशिश नहीं की। हमारा परिचय क्या है? हमारा पीछे का मन क्या कहता है? हमें वास्तव में स्वयं के विचारों का ज्ञान ही नहीं है। सदैव दूसरों के अनुसार कार्य करते हैं और खुद को ढाल लेते हैं। हमारे पास अहंकार तो है, पर आत्मविश्वास नहीं है। स्वयं को पहचानो, खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ। हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती और ये सदैव बदलती रहती हैं। सोच के दायरे से आगे बढ़ना होगा। कोई नहीं आएगा हमें आगे ले जाने। कोलंबस ने जब दुनिया की खोज करी तो उसके पास क्या था? कोई दोस्त, कोई साथी नहीं साथ देता। सिर्फ उसके पास था तो उसका खुद का आत्मविश्वास। एडिसन जब बल्ब बनाने का प्रयोग कर रहा था तो उसने 10,000 बार असफलता पाई। एक बार, दो बार, तीन बार, क्या ऐसी चीज थी जो उसे बार बार करने के लिए प्रेरित करती थी, उसमें ऊर्जा भर जाती थी? जी हाँ, उसका जादुई आत्मविश्वास। दुनिया ऐसे कई उदाहरणों से भरी पड़ी है। अगर मन में चाहत है तो हम अपनी चाहत को पूरा कर लेंगे। यही तो आत्मविश्वास है, इसे ही बनाए रखना है। जिस जिस पर जग हंसा है, उसी ने तो इतिहास रचा है।